सभी को जय मसीह, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से दो अंधे व्यक्तियों के बारे में देखेंगे। एक बार यीशु मसीह यरीहो नामक जगह से होकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें दो अंधे व्यक्ति मिलते हैं। यीशु मसीह के पीछे उस समय बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन जब वो दोनों अंधे व्यक्ति ये बात सुनते हैं कि यीशु मसीह इस रास्ते से होकर जा रहा है, तो वे दोनों अंधे व्यक्ति यीशु मसीह को पुकारने लगते हैं। वे कहते हैं, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। लेकिन जो भीड़ में कुछ लोग थे, वे लोग उन दोनों अंधे व्यक्तियों को डांटने लगते हैं कि तू इतनी भीड़ में यीशु मसीह को क्यों पुकार रहा है? क्या इतनी भीड़ में प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी आवाज को सुन पाएगा? तो लोग ऐसी बातें कह करके उन दोनों अंधे व्यक्तियों को डांटने लगते हैं, लेकिन वो दोनों अंधे चुप नहीं रहे। वे और भी जोर से पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके आवाज को सुना और वे उनके पास आए, और यीशु मसीह ने उन दोनों अंधे व्यक्तियों से पूछा, बता हम तेरे लिए क्या करें? तब उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि हम देखने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा ही। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जब हम प्रभु के पास आना चाहते हैं तो कई लोग, चाहे हमारे परिवार के, चाहे समाज के, चाहे कोई भी लोग, हमें रोकने लगते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। हमें उन दोनों अंधे व्यक्तियों से यह बात सीखनी चाहिए कि लोगों के डांटने पर भी, लोगों के मना करने पर भी वे चुप नहीं रहे और यीशु मसीह को पुकारने लगे। याद रखिए, यदि आपके जीवन में भी भले ही रुकावट हो, लेकिन यदि आप उन दोनों अंधे व्यक्तियों के जैसे चुप नहीं बैठते हैं, लोगों के डांटने पर भी आप प्रभु को पुकारते हैं, तो प्रभु आपके आवाज को सुनेगा और आपसे भी प्रभु यीशु मसीह यही क्वेश्चन करेगा, यही प्रश्न करेगा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। इसलिए हमें हमेशा प्रभु को हर एक परिस्थिति में पुकारना है, चाहे लोग हमें कितना भी पीछे क्यों ना खींचे, हमें चुप नहीं रहना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय मसीह।